प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में हाइपरबोलिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी, उसके डेरिवेशन, आयलर इक्वेशन ये सब पढ़े थे। आज कुछ बचे हुए टॉपिक हाइपरबोलिक फंक्शन के देखेंगे, जिसमें हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन क्या होता है, हाइपरबोलिक की पीरियडिसिटी क्या होती है, हाइपरबोलिक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होता है तो इसका पीरियड कितना होता है, और हाइपरबोलिक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आपको जानना है एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है, देखें, एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, तो निकाला तो सबका जा सकता है, लेकिन मेनली आपको जरूरत होती है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के एक्सपेंशन की। तो याद करें, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक दोनों की वैल्यू आपको पता है। वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। अब वन बाई टू को आगे करके ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम यूज करें तो वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट डॉट। ई की पावर माइनस एक्स में टर्म अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहला टर्म तो होगा वन, अगला माइनस एक्स बाई वन फैक्टोरियल, अगला एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इसमें पहला टर्म देखिए और सेकेंड टर्म एक्स बाई वन फैक्टोरियल, एक्स बाई वन फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव कैंसिल हो गया, बाकी जो भी टर्म बच रहे हैं वो दो दो बार हैं, तो यहाँ का आगे का जो दो है वो सब दो को काट देगा, तो आपके पास यहाँ बचता है वन, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल दो बार, यहाँ दो से कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। ऐसे अगला एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल आगे लिखेंगे तो डॉट डॉट भी मिलेगा, और ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन। इसी तरह बिल्कुल अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन निकाला जाए तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो हो गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। जो कॉस और साइन के एक्सपेंशन होते हैं उसी में टर्म देखिए, कॉस और साइन के एक्सपेंशन में टर्म अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जबकि हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव। अगर यही भी कॉस का एक्सपेंशन होता तो यहाँ माइनस होता, ये प्लस फिर अगला माइनस, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक में सारा पॉजिटिव। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक में साइन एक्स के एक्सपेंशन में यहाँ निगेटिव होता है, इसके बाद पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, जबकि साइन हाइपरबोलिक में सारा पॉजिटिव होता है, कॉस हाइपरबोलिक में सारा पॉजिटिव। ये थे हाइपरबोलिक फंक्शन के एक्सपेंशन, इन्हीं का यूज करके हम लोग टैन का निकाल सकते हैं, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, सब का निकाला जा सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन के पीरियड। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड क्या होता है, पढ़े हैं आप लोग पहले भी पीरियडिक फंक्शन। तो किसी फंक्शन को पीरियडिक तो कहते हैं जब एक निश्चित अंतराल के बाद वो अपने मान को रिपीट करता है, दोहराता है, जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सब पीरियडिक होते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू टू पाई के बाद तुरंत रिपीट हो जाती है, फिर कॉस का होता है। अब टैन अगर देखें तो टैन 180 के बाद ही शुरू हो जाता है, टैन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, जबकि साइन जा करके 360 के बाद होता है रिपीट। तो यही सब इनके पीरियड्स होते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन के पीरियड क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक का पीरियड क्या क्या होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जैसे डेफिनेशन रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए होती है पीरियडिक, रियल वैल्यूड फंक्शन डेफिनेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी होती है। तो किसी भी फंक्शन एफ जेड को पीरियडिक कहते हैं इफ दे आर एग्जिस्ट कोई पॉजिटिव रियल नंबर, फंक्शन एफ जेड पीरियडिक कहलाता है अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर जिसको हमने डिनोट कर दिया गया सपोज दैट कि ओमेगा से, इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि एफ जेड प्लस ओमेगा बराबर एफ जेड हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, जहां ओमेगा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसी ओमेगा को
यही ओमेगा अगर लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, छोटी से छोटी धन वास्तविक संख्या है, तो इसी ओमेगा को पीरियड कहते हैं। इस एफ जेड का पीरियड कहलाता है ओमेगा। अब जैसे हम लोग साइन जो है, अब हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का पीरियड निकालने के पहले पहले आपको हम बताते हैं ई की पावर जेड का पीरियड। तो ई की पावर जेड का पीरियड क्या होगा, देखें पहले ही वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम यहां पे ई की पावर जहां थीटा है वहां 2 पाई कर दें, थीटा के स्थान पे 2 पाई, तो ई की पावर 2 पाई आई का मान कितना होगा, कॉस 2 पाई माने 1, साइन 2 पाई माने 0 यानी कि 1 होता है। तो ई की पावर 4 पाई आई का मान भी 1 होगा, 6 पाई आई का मान भी 1 होगा यानी कि 2n पाई आई का मान 1 होगा। अब e की पावर z का पीरियड हमको निकालना है, तो आप जानते हैं कि e की पावर z को अगर हम e की पावर z इनटू बगल में 2n पाई आई लिख दें, तो चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए ये बदलेगा नहीं, यानी इसको इतना लिखा जा सकता है। तो e की पावर z प्लस यहां लिख सकते हैं 2n पाई आई। अब n यहां पे क्या है, n आप यहां 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सबके लिए सेटिस्फाई है। तो e की पावर z इक्वल टू e की पावर z प्लस 2n पाई आई लिखा जा सकता है। तो अगर हम कंपेयर कराएं fz प्लस ओमेगा बराबर fz से, तो आपका fz यानी ओमेगा के प्लेस पर हो गया 2n पाई आई। चूंकि आप जानते हैं कि n को यहां 0 इसलिए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि पीरियड 0 नहीं होगा, तो n का मान कम से कम 1, 2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई, 3 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई। लेकिन डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि ओमेगा को पीरियड तब कहते हैं जब वो छोटी से छोटी धन वास्तविक संख्या हो, माने लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो। यानी कि लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर कब बनेगा, ये बनेगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि e की पावर z बराबर e की पावर z प्लस 2 पाई आई, मींस e की पावर z आप कह सकते हैं देयरफॉर e की पावर z इज पीरियडिक, ये एक पीरियडिक फंक्शन है और पीरियड कितना है, विद पीरियड 2 पाई आई, यही इसका पीरियड होता है e की पावर z का पीरियड। अब अगला आता है कॉस हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक का, टैन हाइपरबोलिक का, इनका सबका पीरियड कितना होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक x के बारे में, कॉस हाइपरबोलिक z कहें, अब हम कहेंगे जैसे कॉस हाइपरबोलिक z, तो ये वैल्यू क्या होगी, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z बाई 2। अभी अभी आपने देखा है कि e की पावर z का पीरियड 2 पाई आई होता है। तो अगर यहीं पर आप सोचो कि e की पावर z, चूंकि e की पावर z इक्वल टू e की पावर z और प्लस 2 पाई आई लिखा जा सकता है, इस वजह से अगर हम वहां पे कॉस हाइपरबोलिक z बराबर e की पावर z प्लस 2 पाई आई लिखें, प्लस e की पावर माइनस जेड है प्लस 2 पाई आई लिखें, तो ये वैल्यू बदलेगी नहीं। यानी कॉस हाइपरबोलिक z बराबर हो गया कॉस हाइपरबोलिक z प्लस 2 पाई आई के। और अभी थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बताई गई कि इफ एफ जेड प्लस ओमेगा बराबर एफ जेड और ओमेगा लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो उसी को पीरियड कहते हैं, फंक्शन पीरियडिक कहलाता है। आप जानते हो यहाँ 2 पाई आई, 4 पाई आई, 6 पाई आई कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे के लिए 0 नहीं रख सकते हैं, पीरियड 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई आई है, इसका मतलब जो है इसका पीरियड कितने के बराबर हुआ, इसका पीरियड बराबर हो गया 2 पाई आई e की कॉस हाइपरबोलिक z का। अब बिल्कुल सेम वे थे अगर हम साइन हाइपरबोलिक जेड की बात करते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक जेड आप रख के देख सकते हैं, चूंकि यहां माइनस होता है इतने का ही डिफरेंस है, इसलिए साइन हाइपरबोलिक जेड का भी जो पीरियड होता है वो 2 पाई आई होता है, तो दोनों का पीरियड सेम होता है। लेकिन टैन हाइपरबोलिक जेड का पीरियड इस इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब जरा देखिए टैन हाइपरबोलिक जेड का पीरियड, टैन हाइपरबोलिक z या टैन हाइपरबोलिक x लिखें, तो e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। अगर हम z के स्थान पे z के बगल में 2 पाई आई जोड़ें, तो सही है कि ये वैल्यू बदलेगी नहीं,
लेकिन क्या 2πi के पहले भी कोई सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। e की पावर z में अगर हम जबरदस्ती यहां पर पाई आई जोड़ें, बस केवल ट्राई कर रहे हैं, तो यहां पर भी पाई आई ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय e की पावर z प्लस पाई आई, हर जगह जितने भी z है सब में प्लस पाई आई। अब पहले आप ये देखें कि e की पावर पाई आई का मान कितना होता है, तो e की पावर पाई आई का मान कितने के बराबर, मान हो गया cos पाई प्लस i sin पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0, यानी जहां जहां e की पावर पाई आई है वहां पर -1 लिखा जाएगा, तो ये हो गया माइनस, यहां माइनस यानी माइनस e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z, बल्कि इस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z। अब अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाई e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, एक बार फिर से आपका tan हाइपरबोलिक z आया। तो इसका ये मतलब हो गया कि चूंकि tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई बराबर tan हाइपरबोलिक z के ही है। देखिए अगर हम 2 पाई आई करते हैं तो भी होगा, लेकिन हमको चाहिए लीस्ट माने उससे भी छोटी, 2 पाई आई से छोटी पाई आई है, तो tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई बराबर tan हाइपरबोलिक z, तो इसका मतलब ये भी पीरियडिक है, और इसका पीरियड कितना हुआ, इसका पीरियड बराबर हो गया पाई आई। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात थी याद रखने के लिए कि साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक और टैन हाइपरबोलिक के पीरियड्स। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में जितने भी फार्मूले थे, जो भी एक्सपेंशन है, सब आपको बता दिए गए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस में आपके जैसे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना हुआ, और जो है कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर दिया है, माने सारी की सारी आइडेंटिटी इन्हीं सबका यूज करना है। एक एग्जांपल वैसे आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल, एक क्वेश्चन हमने लिख दिया अपने मन से, साइन अल्फा प्लस आई बीटा। आपसे पूछता है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करें, या इसका रियल पार्ट पूछ लेता है, या इमेजिनरी पार्ट पूछ लेता है, दोनों पूछ लेता है, आपसे कहता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इसे साइन ए प्लस बी से खोल देते हैं, तो साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा। अब फार्मूला आपको सब बताया गया है, कॉस आई बीटा अभी पिछले ही लेक्चर में आपको बताया गया था, कॉस आई बीटा कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और इसी तरह साइन आई बीटा बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, और ये देखें ये आपका हो गया रियल पार्ट, और ये हो गया इतना इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में ऐसे हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे लिखा हुआ है e की पावर z क्यों इतना है, आपसे कहता है, या थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, z स्क्वायर कर देते हैं, आपसे कहता है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करें। तो सबसे पहले e की पावर z बराबर हम लोग क्या मानते हैं, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब इसको वहीं ऊपर खोलिए, x स्क्वायर i स्क्वायर y स्क्वायर माने कि माइनस y स्क्वायर, और फिर 2ixy, इसको हम चाहें तो e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अलग, e की पावर 2ixy अलग, e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अलग है। फार्मूला एक बार फिर से, आइदर का इक्वेशन, e की पावर i थीटा बराबर कितने के होता है, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2xy प्लस आई साइन थीटा यानी आई साइन 2xy। चूंकि इसका मल्टीप्लाई दोनों से है, तो इससे पहले से होगा तो रियल पार्ट, दूसरे से होगा तो इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री के और अलग चैप्टर्स। थैंक यू।